गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हम पीए टू का सिलेबस कर रहे हैं और फिलहाल हमने पीओ टू का लगभग हर एक चैप्टर, चाहे वो व्याकरण से हो या फिर आपके गुंजन से हो या फिर क्रिएटिव सेक्शन से हो, हमने सब कुछ समाप्त कर लिया है। हम रिविज़न कर रहे थे, चैप्टर का नाम है दूध का रंग। तो जैसे कि आप चित्र पर देख सकते हैं कि एक दूध वाला है जो आकर गाय का दूध दे रहा है माँ और उसके बेटे को, तो उन्हीं के बीच कुछ बातें चल रही थी। चलो चलिए हम कुछ पढ़ते हैं। तो देखिए लिखा है कि बच्चे का नाम है अंकुर। तो अंकुर क्या कह रहा है कि माँ एक बात मेरी समझ में नहीं आती। फिर माँ बोलती है कौन सी, फिर अंकुर कहता है गाय हरी घास खाती है तो उसका दूध हरा क्यों नहीं होता, दूध सफ़ेद कैसे बन जाता है। माँ हंसकर दूध भी हरा होना चाहिए, दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है जो उसे सफ़ेद रंग देता है। अच्छा यह देखो तुम भी तो तरह तरह का खाना खाते हो, फिर खून का रंग लाल क्यों हो जाता है। तो जैसे कि आपने देखा कि अंकुर पूछ रहा है कि गाय तो हरी घास खाती है फिर उसका दूध हरा रंग का क्यों नहीं होता, उसका दूध सफ़ेद कैसे बन जाता है। फिर माँ हंसकर कहती है कि हम भी तो तरह तरह के रंगों का खाना खाते हैं, फिर हमारा रंग लाल क्यों होता है। और साथ ही साथ वह यह भी कहती है कि दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है। कौन से नाम का प्रोटीन, कैसीन नाम का प्रोटीन होता है जो उसे सफ़ेद रंग देता है। फिर देखिए अंकुर क्या कह रहा है। अंकुर कहता है अरे यह तो मैंने सोचा ही नहीं, ऐसा क्यों होता है। माँ बेटा हमारे खून में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो खून को लाल रंग देता है। फिर अंकुर की माँ उसे समझाती है और कहती है कि हमारे जो शरीर में खून का रंग लाल होने का यह कारण है कि हमारे रक्त में, खून में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है जो हमारे खून को लाल रंग देता है। फिर देखिए अंकुर क्या कहता है। बड़ी अचरज की बात है। अच्छा माँ मैं नहा लूँ वरना स्कूल के लिए देर हो जाएगी। माँ तुम नहा कर आओ तब तक मैं दूध गर्म कर देती हूँ, कहते हुए रसोई में जाने लगती है। फिर अंकुर कहता है ठीक है माँ। अंकुर नहाकर दूध पीकर स्कूल चला जाता है। तो ऐसे ही बातों बातों में अंकुर ने जाना कि किस लिए दूध का रंग सफ़ेद और हमारे रक्त का रंग लाल होता है। फिर रात के समय माँ अंकुर से कहती है कि अंकुर जल्दी गृह कार्य खत्म करो, गृह कार्य का अर्थ होता है होमवर्क, फिर तुम्हें दूध पीना है। फिर अंकुर कहता है माँ आप मुझे रोज़ दो बार दूध पीने के लिए क्यों देती हो, दूध पीने से क्या होता है। फिर माँ कहती है दूध पीने से हमें ताकत मिलती है, हमारा शरीर रोगों से लड़ पाता है। फिर अंकुर पूछता है वह कैसे। फिर देखिए उसकी माँ कहती है कि अभी गृह कार्य जल्दी ख़त्म कर लो, रात का समय है, फिर मैं तुम्हें दूध पीने के लिए दूंगी। फिर अंकुर के मन में एक प्रश्न आता है कि मेरी माँ हर रोज़ सुबह और शाम दो वक्त मुझे दूध पीने के लिए क्यों देती है। तो यही प्रश्न वह अपने माँ से पूछता है, तभी उसकी माँ उसे उत्तर देती है कि दूध पीने से हमें ताकत मिलता है और हमारी शरीर रोगों से लड़ पाता है। फिर अंकुर पूछता है वह कैसे। फिर माँ कहती है बेटा दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन जैसे ज़रूरी तत्व होते हैं जो हमें निरोगी बनाते हैं। तो आज के पाठ में यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। दूसरे पाठ में मैं आपको इसी कहानी के बारे में, इसी पाठ के बारे में विस्तृत में जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।